आज हम लोग जाएंगे चांडिल डैम। आई थिंक वहाँ पे पहली बार जा रहे थे। और देखिए और कॉल करें मेरे साथ सागर, आरती मैम, छोटी बच्ची उज्ज्वल, चलते हैं, तुम ही भरवाएगा हवा। सो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चांडिल डैम का वो गेट। और ये देखिए अपना चांडिल डैम, बस स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा माहौल बन रहा है, मजा आया। A few moments later. तो देख सकते हैं अभी हम लोग बोटिंग के लिए पहन लिए हैं लाइफ जैकेट। लेट्स गो चांडिल डैम का खूबसूरती का बोटिंग खत्म। ये देखिए ऊपर से नजारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत शानदार था और वेदर हम लोग का बहुत साथ दिया। और ये बहुत ही बड़ा सा पुल पार करते हुए। हे एवरीवन, आई एम रितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं जमशेदपुर आया हुआ था अपने कुछ कॉलेज के काम से, तो आज अपन जा रहे कहीं घूमने के लिए, ठीक है। कॉलेज का काम भी होगा और साथ ही साथ एक घूमने का भी मौका मिल रहा है, तो बस निकलते हैं यहाँ से। तो अभी आज हम लोग जाएंगे चांडिल डैम, ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे क्या है वहाँ का सीन वगैरह। और आई थिंक वहाँ पे पहली बार जा रहे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये मेरे साथ उज्ज्वल साथ में जाएगा, मेरा एक्स रूमी, अभी किसी और का रूममेट बन गया, ये हेमंत। कैसे हो भाई? ठीक है भाई, है ना। यहाँ से अपन निकलते हैं और फिर पहुँच करके आप लोग को दिखाते हैं, ब्लॉग्स में बने रहें। चलिए निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी अपन आए हुए थे मेन रोड और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए उज्ज्वल ऑलरेडी ले चुका है और बाकी आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और देखिए और कॉल करें मेरे साथ सागर, आरती मैम, छोटी बच्ची वो तो बिजी रहती है। और चलिए यहाँ से उज्ज्वल, चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और हम लोग अभी मेन रोड से ही निकलेंगे, उधर से कांड्रा होते हुए, और वहाँ से हम लोग चांडिल पहुँचेंगे। तो ब्लॉग्स में बने रहे, आप लोग को दिखाते हैं पूरा यहाँ का रोड वगैरह, ठीक है, लेट्स गो। और यहाँ पे उज्ज्वल और सागर दोनों अपने अपने गाड़ी में हवा चेक करवा ले रहे हैं चांद बाबा से। सागर पूरा भरवा, तुम ही भरवाएगा हवा। चल चल निकल जल्दी यार, टाइम बहुत हो गया। ये रहा टोल गेट, चल निकाल किनारे से। मौसम ही साथ नहीं दे रहा हम लोग का, इतना अच्छा धूप भी किया हुआ और बारिश भी किया हुआ, जगह जगह पे बारिश होता उतरना पड़ जा रहा है यार, सब मजा किरकिरा हो जा रहा है। सब आ गया पता नहीं बचने के लिए पानी से, सबका हालत बेहाल हुआ है। क्या उज्ज्वल? अरे ना पत्ती, ये तो दारू पी रही है, क्या पी रही है? दालू है। समझ रहे हो आप? हम लोग अभी चांडिल वाले रास्ते में एंटर कर चुके हैं दोस्तों, और देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली, मस्त रोड है, बारिश का मौसम और धूप भी उगा हुआ है, बादल भी एकदम मस्त। सफर का मजा, सफर का ही था मैं, सफर का ही हूँ।
मतलब तुम अच्छा से हाथ पकड़ करके रखो उसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ कर लो सील दो तुम बस। तो चलिए चांदिल यहाँ से 7.6 किलोमीटर बता रहा है। मैप देखना, मैप देखिए तो तीखा मोड़ भाई, धीरे धीरे इधर ही ना। चल हम चले बहार में, गुनगुनाती राह में, धड़कने भी तेज है अब क्या करे। ये हम पहुंच चुके हैं चांडिल डे फाइनली। बस देखना ये है कि वहां जाने के बाद कैसा लगता है। लॉट में बने रहे आप लोग, तो बस दिखाते हैं वहां का नज़ारा और भी अच्छे से। सो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चांडिल और ये देख लीजिए पीछे का नज़ारा और अपना चांडिल डैम का वो गेट, वहीं से पानी वगैरह फ्लो होता है जो भी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे ऊपर, ठीक है, वहाँ जाकर के आप लोगों को दिखाते व्यू और बाकी लोग से पूछ लेते हैं क्या जी पहुँच गए तो कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छा, अभी तो स्टार्ट किए। हाँ आप बताइए, कुनिका भी नहीं बोलना क्यों, छोटी बच्ची है क्या उज्जवल, चले ऊपर चले, ऊपर चले, चलिए ऊपर चलते हैं ना, जाते ऊपर उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को वहां से, इधर सब पूरा व्यू कैप्चर करेंगे, ब्लॉग्स में बने रहें। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और ये देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है चांडिल डैम का, यहीं से तो असली मज़ा असली नज़ारा दिखने को मिलेगा। लेट्स गो। सो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, चांडिल डैम पहुंच चुके हैं और नीचे जा रहे हैं, देखते हैं बोटिंग वगैरह होता तो करेंगे, है ना, नहीं होता तो नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, ब्लॉग्स में बने रहे आप लोग। और ये देखिए अपना चांडिल डैम का फोटोशूट जोन, लुक एट दिस व्यू, आई थिंक बोटिंग हो रहा है, हम लोग भी कोशिश करेंगे बोटिंग करने का। ये देखिए नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है ना, देखिए कितने क्लाउड्स भी हैं, धूप भी है और बारिश तो था ही। बस उधर से बोट आता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बोटिंग करने, ब्लॉक में बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है, तब तक उधर से बोट आता है तब तक इधर थोड़ा एडवेंचर हम लोग कर लेते हैं, है ना, ये जगह तो काफ़ी अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे भाई, एकदम मस्त फील आ रहा है, नहीं एडवेंचर वाला एकदम। चलो यहाँ पे लग रहा है ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये बैग लेकर के जा रही है, जाइए जाइए जाइए, ये छोटी बच्ची बस बेकार में दीदी है मेरी। चलिए और ये बहुत ही बड़ा सा पुल पार करते हुए, आप इतने मोटे हैं पार तो होने देता है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ वही तो, चल चल पुल पार कर रहे इतना बड़ा वा। बस स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, देखते कहाँ तक जाता है ये रोड, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है।
A few moments later. यहाँ थोड़ा माहौल बन रहा है। Once more. कौन कैसे गिरेगा भाई? मजा आया। One hour later. तो देख सकते हैं अभी हम लोग बोटिंग के लिए बस कॉस्ट पहन लिए हैं, लाइफ जैकेट। कैसा लग रहा है सागर? चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है? चलिए चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। मजा आ रहा है उज्जवल, आप लोग को फ्रंट का व्यू दिखाते हैं। चांडिल डैम का खूबसूरती और से देखिए पानी का फुहारा, कैसा लग रहा? बहुत मस्त। यो पूरा फील ले रहा है उज्जवल, बच कर रहना, पीछे तुम ही है। सो मच फन बेबी। हम लोग का बोटिंग खत्म, पहुंच गए हम लोग अपने मंजिल। चलो जी उतरो उतरो। A few moments later. तो अभी हम लोग बोटिंग वगैरह कर लिए और अब हम लोग बाहर आकर के कुछ खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बैठे हुए हम लोग सब लोग और खाने का ऑर्डर दे चुके हैं, बस खाना आ रहा है। वहाँ एक होटल है, दिख रहा होगा आप लोग को, तो खाना आता है उसके बाद खाते हैं यहाँ से, विजय होटल। Okay, so ये अपना आ चुका है लंच। ऐसे सब बात है और कर रही है वो कि मतलब तेरा बहका। यही तो सबसे बढ़िया मोमेंट है, सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, इधर हम लोग खाना खा रहे हैं और इधर दृश्य का मजा ले रहे हैं, सीनरी का। क्यों सागर? मजा तो आ रहा है। A few moments later. तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं और बस देखिए आप लोग को व्यू दिखाते हैं अभी हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। भाई चांडिल डैम में देखिए काफी अच्छा है। देख रहे कितना अच्छा ये है। और ये देखिए ऊपर से नज़ारा चांडिल डैम का, कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर गाड़ी लाना मना है, पैदल आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ये चांडिल डैम फोटोशूट जोन बोल सकते हैं आप। ये देखिए आप लोग नज़ारा, आप लोग भी ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्लेस, है ना? बहुत अच्छा फ़ोटोशूट के लिए तो एक नंबर है, घूमने के लिए तो सुपर्ब
ओके नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे कैसे लगा करके। उज्ज्वल बताओ। बढ़िया। सागर कैसा लगा? अच्छा लगा, जगह बहुत शानदार था। और सबसे बढ़िया पार्ट बताओ। वेदर हम लोग का बहुत साथ दिया है ना, बारिश हल्का हल्का धूप। आप बताइए आरती, अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? लोकेशन और फोटोज मेरे अच्छा है। वाह, सबसे ज्यादा मजा आया। और कुनिका दी से पूछ लेते हैं, बताइए। ओए छोटी बच्ची, कैसा लगा? काफी अच्छा है यहाँ का व्यू। और खाने मिला? नहीं, कुछ खाने मिला। बोटिंग के लिए तो आप डर रहे थे सबसे पहली बात। हाँ, बट और उसके बाद पता भी नहीं चला, बस ये धूप के कारण से थोड़ा डरी हुई थी, बाकी अच्छा लगा। और मेरा भी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है ना, काफ़ी अच्छा प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। आप लोग भी ज़रूर आइए। तो बस यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं और बस व्लॉग को एंड करते हैं, और क्या। ठीक है।